राम अगर वन न जाते, राम का वनवास रूप अगर मंदराचल ना आता, तो भरत के हृदय रूपी सागर का मंथन कोई नहीं कर सकता था। भरत का सागर, भरत का हृदय गंभीर है, छोटी छोटी बातों पे उथला हो जाए वो भरत चरित्र के आसपास। भरत पयोधि गंभीर, भरत का हृदय सागर गंभीर है, राम विरह रूपी मंदराचल से ही उसे मथा जा सका, वरना कोई मथ नहीं सकता था भरत के हृदय को, कोई नहीं मथ सकता था। बड़े से बड़े ज्ञानी ये समझ नहीं पाए कि ये भरत जी राम को प्रेम भी करते हैं कि नहीं। इतनी अटपटी गति है प्रेम की, सहज देखने में नहीं आती है, जो दिखाई दे वो प्रेम कहां। भरत का प्रेम गुप्त है, उस गुप्त प्रेम को राम ने, लोगों को लगा होगा कि राम जी का वनवास हुआ रावण को मारने के लिए, लोगों को लगा होगा कि राम जी का वनवास हुआ देवताओं का हित करने के लिए, विप्रधेनु सुर संत हित। पर किसी ने गोस्वामी जी से पूछा तो गोस्वामी जी कहते हैं, भैया मेरा हृदय कहता है कि राम का वनवास हम सबको भरत के प्रेमामृत का पान करवाने के लिए हुआ है। राम जी अगर बन ना जाते तो भरत का वो प्रेम वो प्रकट नहीं। बड़ा गंभीर हृदय है भरत का। पर आप देखिए ना, जब राम जी की पत्रिका आई तो राम जी की पत्रिका ने भरत के उस गंभीर सागर में एक आंदोलन कर दिया। मानो राम की वो पत्रिका पूर्णिमा का चांद बन के आई और भरत के हृदय रूपी सरोवर को हिलाने लगी, आंदोलित करने लगी। और दौड़ पड़े भरत, आंखों से प्रेमाश्रु बरस रहा है और कह रहे, तात कहां ते पाती आई, कुशल प्राण प्रिय बंधु दो कहो अहीं के ही देश। हे तात, मेरे प्राणों से प्रिय मेरे भ्राता दोनों कहां हैं, किस देश में। सारी सभा स्तब्ध रह गई। तो भरत का प्रेम, उस भरत के हृदय रूपी सागर का मंथन कोई कर सके वो राम विरह के सिवा कुछ नहीं हो सकता है। राम जी ने अपने विरह से मथा, और क्या कड़ी मथानी थी है? कि एक दिन पहले राम ने पूरे 14 साल मथते रहे भरत के हृदय समुद्र, और अंतिम दिन भरत का हृदय चीख रहा है, कारण कवन नाथ नहीं आयो, जान कुटिल किधो मोहि विसराय, कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा, ताते नाथ संग नहीं लेना। क्या कारण था मेरे राम नहीं आए। भरत को शांति कब हुई, राम के स्वभाव का स्मरण करके।